नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पुनः से आपके साथ साप्ताहिक पंचांग लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें सूर्योदय, चंद्रोदय, तिथि, वार, नक्षत्र, शुभ समय, अशुभ समय, अभिजीत मुहूर्त, राहु काल, दिशासूद, इस समस्त की जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध होगी, जिसका इस्तेमाल हम रोजमर्रा के जीवन में करते हैं। तो यह सब जानकारियां इस वीडियो में उपलब्ध होंगी। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/3/2021 दिन सोमवार, सुबह 8:37 तक द्वितीया तिथि रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो अगले दिन सुबह 5:48 तक रहेगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, जो सुबह 7:37 तक रहेगा, उसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जो अगले दिन 5:32 तक रहेगा। कृष्ण पक्ष सूर्योदय का समय 6:37, चंद्रोदय का समय रात में 8:26, अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:01 से 12:47 तक, और जो इस दिन का दुष्ट मुहूर्त है दिन में 12:47 से 1:34 तक, यह पहला दुष्ट मुहूर्त है। और जो दूसरा दुष्ट मुहूर्त है दोपहर में 3:06 से 3:52 तक, और जो राहु काल रहेगा इस दिन का सुबह 8:04 से 9:31 तक। दिशाशूल रहेगा पूर्व दिशा, किसी भी जातक या जातिका का कोई कार्य पूर्व दिशा में है तो घर से निकलते ही 7 कदम अन्य दिशाओं में जाने के बाद पूर्व दिशा में जा सकते हैं। बात करते हैं 2/3/2021 दिन मंगलवार, चतुर्थी तिथि, सुबह 3:01 तक रहेगी। चित्रा नक्षत्र जो सुबह 3:29 तक रहेगा। कृष्ण पक्ष सूर्योदय का समय 6:36, चंद्रोदय का समय 9:32, अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:47 तक। दुष्ट मुहूर्त है 8:55 से सुबह 9:42 तक। राहु काल रहेगा दिन में 3:18 से 4:45 तक। दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा, किसी भी जातक या जातिका का कोई कार्य उत्तर दिशा में है घर से निकलते ही 7 कदम अन्य दिशाओं में जाने के बाद उत्तर दिशा में जा सकते हैं। 3/3/2021 दिन बुधवार, पंचमी तिथि, रात में 12:23 तक। चित्रा नक्षत्र जो रात में 1:36 तक रहेगा। कृष्ण पक्ष सूर्योदय का समय 6:35, चंद्रोदय का समय रात में 10:37, और इस दिन कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, जो इस दिन का दुष्ट मुहूर्त है वह 12:01 से 12:47 तक, और जो इस दिन का राहु काल रहेगा 12:24 से 1:51 तक दिन में। दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा, किसी भी जातक या जातिका का कोई कार्य उत्तर दिशा में है तो घर से निकलते ही 7 कदम अन्य दिशाओं में जाने के बाद वह उत्तर दिशा में जा सकते हैं। 4/3/2021 दिन गुरुवार, षष्ठी तिथि, जो रात में 10 बजे तक रहेगी। विशाखा नक्षत्र जो रात में 11:58 तक रहेगा। कृष्ण पक्ष सूर्योदय का समय 6:34, चंद्रोदय 11:44 रात में। अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा इस दिन का दिन में 12 बजे से 12:47 तक। दुष्ट मुहूर्त रहेगा इस दिन का सुबह 10:17 से 11:14 तक, पहला दुष्ट मुहूर्त रहेगा। और जो दूसरा दुष्ट मुहूर्त रहेगा वह 3:14 से 3:53 तक, यह दूसरा दुष्ट मुहूर्त है। राहु काल रहेगा दिन में 1:51 से 3:18 तक, इस बीच में किसी भी नए कार्य या शुभ कार्य की शुरुआत न करें। दिशाशूल रहेगा दक्षिण दिशा, अगर आपको दक्षिण दिशा में कोई भी कार्य पड़ता है तो घर से निकलते ही 7 कदम अन्य दिशाओं में जाने के बाद दक्षिण दिशा में जा सकते हैं। बात करते हैं 5/3/2021 दिन शुक्रवार, सप्तमी तिथि, जो शाम को 7:56 तक रहेगी। अनुराधा नक्षत्र रात में 10:38 तक रहेगा। कृष्ण पक्ष सूर्योदय का समय सुबह 6:33, और जो चंद्रोदय का समय है रात में 12:51 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दिन में 12 बजे से 12:47 तक, और जो दुष्ट मुहूर्त रहेगा इस दिन का सुबह 8:53 से 9:40 तक, यह पहला दुष्ट मुहूर्त है। सुबह 8:53 से 9:40 तक, यह पहला दुष्ट मुहूर्त है। और जो दूसरा दुष्ट मुहूर्त रहेगा इस दिन का दिन में 12:47 से 1:33 तक, यह दूसरा दुष्ट मुहूर्त है। और जो इस दिन का राहु काल रहेगा सुबह 10:56 से 12:23 तक, इस बीच में किसी भी नए कार्य की शुरुआत न करें, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें। और जो दिशाशूल रहेगा इस दिन का
पश्चिम दिशा, अगर किसी भी जातक या जातिका का कोई कार्य पश्चिम दिशा में है तो वो घर से निकलते ही 7 कदम अन्य दिशाओं में जाने के बाद पश्चिम दिशा में जा सकते हैं। बात करते हैं 6/3/2021, दिन शनिवार, अष्टमी तिथि जो शाम को 6:12 तक रहेगी, ज्येष्ठा नक्षत्र जो रात में 9:38 तक रहेगा, कृष्ण पक्ष सूर्योदय का समय 6:32 और जो चंद्रोदय का समय रहेगा वह रात में 1:56 तक, और जो इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है दिन में 12:00 से 12:47 तक, और जो दुष्ट मुहूर्त रहेगा इस दिन का 6:32 से 7:19 तक, यह पहला दुष्ट मुहूर्त है, और जो दूसरा दुष्ट मुहूर्त रहेगा सुबह 7:19 से 8:06 तक, यह दूसरा दुष्ट मुहूर्त है इस दिन का। राहु काल रहेगा सुबह 9:28 से 10:55 तक। इस बीच में किसी भी नए कार्य की शुरुआत न करें, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत न करें, और जो इस दिन का दिशाशूल रहेगा वह पूर्व दिशा रहेगा, घर से अगर किसी भी जातक या जातिका का कोई कार्य पूर्व दिशा में है घर से निकलते ही 7 कदम अन्य दिशाओं में जाने के बाद पूर्व दिशा में जा सकते हैं। तो यह था साप्ताहिक पंचांग, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।